हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप स्टेटस यूट्यूब चैनल के बारे में। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि अगर एक व्हाट्सअप स्टेटस चैनल अगर किया है और आपका चैनल अभी तक अंडर रिव्यू में नहीं गया है, और आने वाले टाइम में जब भी आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा तो आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं होगा। दोस्तों इस टॉपिक पे बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो आपने देखा भी होगा, उन्होंने कहा है कि क्यों जो है आपका व्हाट्सअप स्टेटस चैनल क्यों मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है अगर इमेज यूज़ किया है तो वो भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया है, आपने वीडियो किसी का डाउनलोड किया हुआ है और आपने जो गाना भी उसमें ऐड किया है, जो सॉन्ग आपने दिया है वो भी कॉपीराइटेड है, यानी कि आपने कहीं से डाउनलोड करके उसको यूज़ किया है, तो सारा कुछ जो कंटेंट होता है व्हाट्सअप स्टेटस का वो कॉपीराइटेड होता है। तो ऐसे में यूट्यूब जो है आपको मोनेटाइजेशन का अलाउ अप्रूव नहीं करेगा। तो दोस्तों आज मैं जो है मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका अगर व्हाट्सअप स्टेटस चैनल आपने बना लिया है और इनके फ्यूचर में आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो किस तरह से जो है उसको आप मोनेटाइजेशन अप्रूवल ले सकें। सो गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आपका एक व्हाट्सअप स्टेटस चैनल है और आपका चैनल रिव्यू में जा चुका है और डिसअप्रूव हो चुका है, तो यूट्यूब ने अगर आपको एक महीने का जो है टाइम दिया है आपके चैनल पे कुछ सुधार करने के लिए, या फिर आप एक नए यूट्यूबर हैं जिन्होंने व्हाट्सअप का स्टेटस चैनल बना रखा है, तो आप फ्यूचर में जब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो किस तरह से जो है आप मोनेटाइजेशन का अप्रूव करा सकते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो है आप अगर व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो डालते हैं उस पर अच्छा खासा व्यू आता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या करेंगे, आप खुद का कॉन्टेंट वगैरह भी जो है वो डाला कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने एक व्हाट्सअप स्टेटस चैनल बनाया है और मैंने उसमें 10 व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो या 15 व्हाट्सअप वीडियो जो है स्टेटस की वीडियो जो है मैंने डाला है और वो जो है अच्छा खासा रन हो रहा है, उस पर व्यू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को स्विच करूँगा, यानी कि मैं जो है अपना कॉन्टेंट धीरे धीरे उस पर मिक्स करूँगा। मालूम है कि मेरे जो कंटेंट पे व्यू नहीं आएगा, मगर ऐसे करने से क्या है, आपका जो भी आपके वीडियो जो देखते हैं व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो जो देखते हैं उनके सजेशन में, या फिर वो जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपका जो भी वीडियो होगा वो उनके सजेशन में जाएगा या रिकमेंडेशन वीडियो में जाएगा, और धीरे धीरे उस तरह से जो है लोग आपको भी जानना चालू करेंगे। तो दोस्तों ये तरीका हो जाएगा कि आपने व्हाट्सअप वीडियो डाला, उसमें व्यू आ रहे हैं, फिर आपने आपका कंटेंट धीरे धीरे आप जो है डालना चालू करेंगे, बीच बीच में फिर व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो भी डाली। ऐसे करते करते दोस्तों लोगों की नज़र में आप भी जो है आने लगेंगे, और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जब आपके वीडियो पे भी थोड़ा व्यू आने लगेगा, लोग आपके भी वीडियो पे कमेंट लाइक करने लगेंगे, आपका भी वीडियो जो है अच्छा खासा व्यू जनरेट करने लगेगा, तो तब जो है आप धीरे धीरे अपने वो उस व्हाट्सअप वीडियो को डिलीट करते जाइए, रिमूव करते जाइए, और फिर अपना जो कॉन्टेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाइए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका चैनल भी ग्रो होगा, आपके चैनल पर व्यूज़ भी आएंगे, और धीरे धीरे आप अगर व्हाट्सअप के वीडियो को रिमूव करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाया है उस पर लाखों मिलियन व्यू भी आ रहा है तो क्या फ़ायदा आपका, अगर चैनल ही मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि किस तरह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन करना है, तो इसके लिए जो है आपको ये करना है कि आपका वीडियो कॉन्टेंट जो है धीरे धीरे बढ़ाइए, आपका वीडियो कॉन्टेंट जो है उसको जो है ज़्यादा कीजिए, और धीरे धीरे आपका जो बैकग्राउंड में यानी कि जो पीछे से जो व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो वगैरह है उसको डिलीट करते जाइए। फिर दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है कंप्लीट होने वाला रहेगा, तो वैसे में आप क्या कीजिएगा, जितने भी आपके व्हाट्सअप स्टेटस की वीडियो है सबको रिमूव कर दीजिएगा चैनल रिव्यू में जाने से पहले, और जब भी आपका चैनल रिव्यू में रहेगा तो उस पीरियड में आप कोशिश यही कीजिएगा कि आपका जो खुद का कंटेंट वीडियो वगैरह जो है अपलोड करते रहिए, क्योंकि आपका जो जब भी चैनल रिव्यू में जाएगा तो यूट्यूब जो है एक महीने का टाइम लेता है, और एक महीने के अंदर जो है आपका चैनल रिव्यू प्रोसेस में रहेगा, तो इस बीच में क्या करेंगे, रिव्यू पीरियड में आप अगर खुद का कॉन्टेंट वगैरह डालते रहेंगे तो फिर यूट्यूब देखेगा कि हाँ आपका जो है खुद का कॉन्टेंट वगैरह जो है आप अपलोड कर रहे हैं, तो पीछे का जो भी वीडियो से व्यू आपने लिया था क्या लिया था उतना वो मैटर नहीं करेगा, और इस चीज़ से जो है बहुत चांसेस बन जाएंगे कि आपका जो चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। दोस्तों इसके अलावा एक सजेशन मैं आपको ये भी दूंगा कि आपका जो वीडियो कंटेंट है उसको ज़्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर नहीं करें। इसका रीज़न ये मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर देखो चैनल शुरू में अगर आपने चैनल बनाया है तो व्यू आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको ज़रूरी है कि फेसबुक या व्हाट्सएप में से ट्रैफिक लेके आएँ, क्योंकि दोस्तों एक नया यूट्यूबर जब यूट्यूब चैनल बनाता है ना तो उसमें व्यू आता नहीं, चाहे आप वीडियो अपलोड करके एक महीना एक साल भी वेट कीजिए, उसमें 2, 4, 10, 15 व्यू से ज़्यादा व्यू आएंगे नहीं, क्योंकि वो जो है आपका चैनल ही मतलब किसी सजेशन में या रिकमेंडेशन में जाएगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो नया चैनल बनाते हैं तो व्हाट्सअप फेसबुक से जो है लेते हैं, कुछ व्यू लेते हैं, मगर एक टाइम जब आपका
वीडियो पे व्यूज़ आने लगेगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप जो है व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह में अपने वीडियो को शेयर नहीं कीजिए। हाँ, किसी और ने देखा है और उन्होंने शेयर किया है तो वो अलग ट्रैफिक हो जाता है, तो आपने नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब जो खुद भी जो है वीडियो पे शेयर का ऑप्शन देता है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सॉरी फेसबुक ट्विटर इस तरह का साइट में शेयरिंग का ऑप्शन देता है, तो उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइज, उम्मीद है कि आज का जो वीडियो मैं आपको बताने वाला था कि आपका अगर व्हाट्सअप से स्टेटस चैनल है और अभी तक आपका चैनल रिव्यू पर नहीं गया है या फिर चैनल रिव्यू पर चला भी गया है और डिसअप्रूव हो गया है, तो इसके लिए आप यही कीजिए कि आपका जो व्हाट्सअप का कॉन्टेंट है उसको जो है हटा दीजिए और धीरे धीरे जो है अपना कॉन्टेंट वगैरह जो है अपलोड कीजिए। अगर आपका मोनेटाइजेशन डिसअप्रूव हो गया है और एक डेढ़ महीने के बाद में फिर से आप जो है अप्लाई करेंगे तो YouTube देखेगा कि हाँ आपने जो है पुराना वीडियो कंटेंट वगैरह को रिमूव कर दिया है और अपना नया कंटेंट जो है खुद का कंटेंट है जो कॉपीराइटेड नहीं है, तो वो सारा चीज़ देखने के बाद में आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाएगा। अब दोस्तों, मोनेटाइजेशन अगर अप्रूव हो जाता है इसके बाद में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियो कंटेंट डालेंगे। फिर भी दोस्तों, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है आप मैक्सिमम जो है कोशिश ये कीजिए आप अपना खुद का वीडियो कंटेंट वगैरह अपलोड करने के लिए, क्योंकि देखो व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह में व्यूज़ तो आता है मगर कहीं अगर फ्यूचर में मान लीजिए आज आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और आने वाले टाइम में इस तरह का व्हाट्सअप कंटेंट वगैरह आपने डाला है और एक साथ आपको जो है 3-4 स्ट्राइक अगर मिल गया तो चैनल तो गया ऐसे, तो इसी चीज़ का जो है ध्यान आप हमेशा रखिए कि आपका जो YouTube का सफ़र है उसको कितने लंबे तक लेना है, कितने आगे तक लेके जाना है और कितने लोगों तक जो है अपना पहचान बनाना है। WhatsApp स्टेटस वीडियो में आपको कोई नहीं पहचानेगा दोस्तों, सिर्फ आपका वीडियो पे व्यूज़ आएगा, हो सकता है उस पर जो है आपको अर्निंग भी हो, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका अगर व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो है तो आप 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो तो डालते नहीं होंगे और 30 सेकंड का वीडियो में दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका अगर 20,000-25,000 व्यू है तब जाके आपको $1 का अर्निंग होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और टेक की वीडियो आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।